ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू विंग फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग ईजिली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि गाइस जो इसमें कलर करेक्शन वाला जो हमारा पार्ट है गाइस उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि गाइस जब तक आप उस पार्ट को नहीं देखोगे गाइस तो यार आप बिल्कुल एकदम कंप्लीट सेम टू सेम फोटो एडिट नहीं कर पाओगे। तो गाइस आपको जो है वाला सारे पार्ट एकदम ध्यान से देखने हैं, ठीक है। कलर करेक्शन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट वैसे आपको सारे पार्ट ध्यान से देखने हैं। तो बाकी यार जो भी प्रोसेस होगा यार आपको मैं वीडियो में बता दूंगा एंड गाइस कोशिश करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से समझा सकूं। भाई गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज आपको अपने इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है एंड उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से ऐड करना है आपको अपने मॉडल को। तो गाइज हम मॉडल को यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं एंड गाइज इसमें थोड़ा सा पार्ट है जो मुझे इरेज भी करना है तो उसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। सो यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे इरेजर पर क्लिक करके हार्डनेस को फुल करके ऊपर से टिक साइज छोटा करके एंड उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज कर लेंगे इसे, इतना परफेक्ट है। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है आपको, अब इसको हम इतना कर देने के बाद यहाँ से सिंपली हम डन कर लेंगे, क्योंकि गाइस अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड जो है मैंने अच्छे से रिस्क कर रखा है। तो अभी हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे एंड डुप्लीकेट बनाने के बाद गाइस आपको उसको लेके जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको उसको ले जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ले जाना है ब्लैक एंड व्हाइट एंड उसके बाद इसका अमाउंट जो है जीरो करके एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मर्ज करना है। फिर आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेकर उसको मर्ज करना है। फिर जाना आपको कलर आइज में। फिर आपको जाना गाइस यहाँ से ह्यू चेंज करनी है इसकी एंड इसको लेकर आना येलो टोन में एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है डन, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो जाने का डन करना है एंड फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको इन्वर्ट करना है एंड जो गाइस जो अभी इरेज किया था वो आ गया तो उसको भी इरेज कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको साइज़ बड़ा करना है एंड उसके बाद आपको गाइस इसके ऊपर एक बनानी है रिम लाइट क्रिएट करनी है। तो इसको हम यहाँ पे फटाफट करते हैं एंड गाइस आपको सेम चीज़ आपको विंग्स के पीएनजी लगाएंगे तब भी आपको सेम चीज़ वैसे ही करनी है। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करूँगा ताकि यार आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। तो गाइस एकदम अच्छे तरीके से हमने सब कुछ कर लिया है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे हम इसको रखेंगे लाइटन, ठीक है। स्क्रीन नहीं रखेंगे क्योंकि स्क्रीन में दिख नहीं रहा है तो हम इसको यहाँ पे लाइटन रखेंगे, तो यहाँ पे लाइटन ठीक है। एंड उसके बाद अगर इसकी ओपेसिटी अगर आपको और भी कम लगे तो आप इसका डुप्लीकेट करके गाइस और लगा सकते हैं यहाँ पे। एंड गाइस अभी आपको येलो कलर लग रहा होगा यहाँ पे बट गाइस हम अभी जिसके लाइटर में जब एडिट करेंगे तभी गाइस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से हम ब्लैक कलर की एक शीट लेंगे, यहाँ से हम इसको गाइस कुछ इस तरीके से इसका साइज़ रखेंगे एंड इरेजर टूल में जाएंगे एंड इसको यहाँ पे हम इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, साइज़ इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद अपनी फोटो को जूम करेंगे एंड उसके बाद गाइस फोटो को जूम करने के बाद आपको यहाँ पे शेडो क्रिएट करनी है। तो गाइस अभी तो कुछ भाइयों को ऐसा लग रहा होगा ये किस तरीके की शेडो बन रही है हमारी, तो मतलब गाइस अभी यहाँ पे हम इसको पेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है। तो आपको जहाँ जहाँ पर शेडो चाहिए आपको कुछ इस तरीके से ऐसे पेंट करना है वहाँ पर, जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ एंड आपको इस तरीके से पेंट करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको वहाँ पे इरेज कर लेना। ध्यान देना कि आपको जो है आपके शूज़ के नीचे से ना ज़्यादा बाहर ना जाइए, ठीक है। तो उतना ही पेंट करना है आपको, यहाँ फिर डन करना है एंड आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन करना है एंड आपके मॉडल के नीचे चले जाएगा एंड इसको आपको ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेना है एंड गाइस देख सकते हैं हमारी जो शेडो यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बन चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे इसको कर लेंगे डन, सो इतना परफेक्ट है। तो अब इसको हम डन करते हैं एंड उसके बाद आपको ऐड फोटो में जाकर आपको एक पार्टिकल का पीएनजी ऐड करना है, ठीक है। तो उसको हम ऐड कर लेते हैं एंड के सारे पीएनजी वगैरह सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको करना स्क्रीन एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आपको फिर इरेजर टूल में जाकर आपको यहाँ पे इरेजर से आपको जो फेस के ऊपर एरिया वगैरह होगा उसको इरेज कर देना है एंड उसके बाद आपको कर देना है डन एंड ओपेसिटी आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर डन कर देने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम है हमारा वो लाइट रूम में ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है इसके अलावा लाइट वाले ऑप्शन में जाकर आपको उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, हाईलाइट है जो गाइस इसको हाईलाइट को आपको थोड़ा कम करना है एंड जो शेडो है इसको थोड़ा बढ़ाना है एंड जो व्हाइट है इसको थोड़ा कम करना है एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको हम इसकी वाइब्रेशन बढ़ाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना ताकि फोटो में जो है ब्लू टोन आ जाए। फिर जाना मिक्स टूल में, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन माइनस करना है। फिर जाना येलो कलर में, अब गाइस यहाँ पे आपको इसको करना ऑरेंज कलर, तो उसके लिए ह्यू को करना है माइनस एंड सैचुरेशन को करना है प्लस। देन गाइस जाना आपको ग्रीन कलर में,
जैसे गाइस आपको पता है ग्रीन कलर नहीं है हमारे फोटो में तो हम इसको माइनस कर देंगे। एंड गाइस जैसे यार ब्लू कलर है, अगर आपको अपनी फोटो में ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो आप इसका सैचुरेशन माइनस कर देना। फिर उसके बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पर फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डालना आपको अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आपको नीचे मिलेगा ग्रीन माउंट, आपको उसको बढ़ाना है। एंड उसके बाद इसका जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पर फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोट रिडक्शन डालना है, फोटो में कलर नोट रिडक्शन उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो ऐसा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई गाइस अगर यहाँ तक आ चुके तो गाइस इन दोनों में से कोई भी वीडियो को क्लिक करो, अदरवाइज अगर आपको मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल के लोगों को क्लिक करो एंड वहाँ जाके मेरी कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।